पीपल, सबसे पहले विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे एंड आई हैव गॉट अ सुपर स्पेशल सरप्राइज आपके लिए वैलेंटाइन स्पेशल पे. आई एम गोना मेक योर डे टोटली एंड एब्सोल्यूटली, क्योंकि आज रेड एफएम स्टूडियोज में मेरे साथ जो लाइव होने जा रहे हैं, दिस पर्सन हैज बीन लव्ड एंड लव्ड लाइक हाउ सब लोगों ने इनको इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है. एंड इनकी एग्जिट के बाद अलग ही सीन बने एंड पीपल वर रियली रियली सैड, दे वर अपसेट, दे वांटेड टू नो व्हाई एंड हाउ दिस अडोरेबल गाय, दिस एब्सोल्युटली गुड लुकिंग गाय, द मैन हु प्लेड विद अटमोस्ट डिग्निटी, मतलब उस घर में अपने आप को एक अपने आप को अपने जैसा रखना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली आपको प्रेशर में डाला जाता है कि आप अपने जैसा मत रहिए, आप रोज चेंज हुई सिचुएशन के हिसाब से बदलिए, ये बनिए वो बनिए, शो मोर अग्रेशन मोर पावर, दिखने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता है. लेकिन उसके बावजूद दिस गाय मेड श्योर कि उन्होंने अपनी फितरत, अपना नेचर, अपनी अपनी बात, अपनी किसी भी हाव भाव को किसी भी प्रेशर के अंदर नहीं आने दिया. इज नन अदर देन वन एंड ओनली, लेट मी प्रेजेंट टू यू इन रेड एफएम स्टूडियोज, अभिनव शुक्ला. हेलो, लुक हु इज हियर. वाओ, थैंक यू, वेलकम टू रेड एफएम स्टूडियोज. कैन आई हेल्प यू? यस. ओके, सो अभिनव जी, कैसा लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग? आई एम आउट. बहुत बढ़िया लग रहा है. सो व्हाट, जब ये अनाउंसमेंट हुई थी कि दैट यू नो अभी आपका टाइम यू नो अप है, यू नो यू हैव टू वर्क, सो व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट, पहली फीलिंग क्या आई थी तब? पहली फीलिंग ये थी कि यार ये तो था अभी मंजिल. क्लाइंबिंग में यू नो समिट फीवर होता है, आई हैड दैट समिट फीवर, पहाड़ चढ़ चुके हैं, ट्रैकर फुल टाइम एंड ऑल दैट. सो अभी मंजिल मतलब ऊपर यू नो समिट दिख रहा है, इट्स जस्ट देयर मैन, एंड देन दे सेड आउट. So I was like, oh, but then I convinced myself, यही show है, यही game है, कोई भी कभी भी निकल सकता है घर से, वो मैं convince करके आया था अपने आप को. तो I said, okay, fine. Put a smile on your face. Yeah, and you played very, 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 yes. very well. सबसे बड़ी चीज उस घर में खुद को टिका के रखने का. So welcome. और मजे की बात क्या है, हर बार लास्ट टाइम रूबीना वाज हियर एंड वी डिड एन एंटायर वैलेंटाइन स्पेशल, और आज भी वैलेंटाइन है, तभी एक बार है, ये तभी एक बार. सो आई एम गोना प्ले समथिंग वेरी स्पेशल फॉर यू ऑल द फैंस. हाय, हेलो एवरीबॉडी. एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज यहाँ पर हमने अभिनव के लिए बनाई है, सो प्लीज कान लगाइए एंड अभिनव फुल अटेंशन. ओके, सो लेट्स गिव इट अप फॉर द हैंडसम हंक अभिनव शुक्ला. अभिनव इतना क्लासी और एंटरटेनिंग सेलिब्रिटी बिग बॉस में पहली बार देखा है, मिस्टर पंजाब है ये, हर किसी ने इनको देखकर अपनी आंखों को सेका है. हाय अभिनव, I can't believe it, आप मेरी आवाज सुनोगे? Oh my God, I love 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 you, but बिग बॉस सिर्फ और सिर्फ मैं आपके लिए देख रही हूँ इस बार. एंड यस, आई डू लव योर वाइफ टू, बट अगर तो मैं शायद आपको प्रपोज कर दी. लड़की के हर माँ बाप ने कहा हाय ऐसा दामाद सबको मिले, हर लड़की ने कहा हस्बैंड ऐसा हो तो दिल क्यों ना खिले. हाय अभिनव, मुझे ये कहना था कि मैं और मेरे हस्बैंड बिग बॉस का शो बहुत ही रेगुलरली फॉलो करते हुए आए हैं, और मैं अपने हस्बैंड को अक्सर कहती हूँ कि हस्बैंड हो तो एकदम अभिनव जैसा होना चाहिए, क्योंकि आप हर चीज में रूबीना का साथ देते हो, उसके लिए प्रोटेक्टिव रहते हो. फिटनेस हो इनकी या हो निकी तंबोली वाला डांस, सब इन पर दिल हारे हैं, अपने कंट्रोल्ड और लॉजिकल बिहेवियर से ये बन गए सबकी आंखों के तारे हैं. हाय अभिनव जी, आपको बिग बॉस में देखा है, बहुत अच्छा लगता है आपको देख के, और क्या तो मेंटेन किया है आपने, प्लीज आप अपनी बीवी को इतना खुश रखते हैं, कुछ टिप्स हमारे हस्बैंड को भी दीजिए, एंड कुछ ऐसे क्लासेस भी खोल दो ना कि हस्बैंड को कैसे ट्रेनिंग दी जाती है. हाँ, ये पता है कि ये किसी और के हो चुके हैं, पर जब भी हस्बैंड कैसा हो इस बात का जिक्र होगा, नाम तो अभिनव शुक्ला का ही बेफिक्र होगा. हाय अभिनव, दिस इज रूबीना, मैं आपकी बहुत ही बड़ी फैन हूँ, मेरे घर में सारे ही लोग आपके बहुत ही बड़े फैन है. द बेस्ट थिंग अबाउट यू अभिनव इन बिग बॉस इज दैट कि आप बहुत काम कंपोज हो और बहुत ही ठहराव से हर चीजों को रिजोल्व करते हो. आई थिंक मैं आपको एक नाम देना चाहूंगी, फॉर मी यू आर मिस्टर कूल. हाय, मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहती हूँ, आप बहुत क्लासी हो एंड आई लव द वे आप जैसे हर सिचुएशन को हैंडल करते हो. लॉट ऑफ रिस्पेक्ट मैन एंड लॉट्स ऑफ लव. Yeah.
बहुत सारे और सवाल थे, बहुत सारे और बहुत सारी चीजें थी. वी ट्राइड एज मच एज we could bring for you. So all this, is this is today only. This is all the, callers, they dropped their contact, we called them up, and there were many, many more. We could, jitna hum la sake, you know, utna hum lekar aaye. I just wanted to let you know that we are very proud of your journey and you played really, really well. Thanks. Sabse badi baat, I say this all the time, that house is a madhouse, we all know. Yeah, and just to be yourself, stick to yourself, you need to be very mentally powerful, that you are. So here we begin. Our conversation, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे चीजें जनता पब्लिक वांट्स टू नो. ओके, सबसे पहले तो आई रियली रियली वांट टू नो, फॉर समबडी लाइक आई हैव मेट यू बिफोर, फॉर समबडी लाइक यू, वाज इट अ इजी डिसीजन टू गो टू बिग बॉस? यू नो, बिकॉज यू आर रिजर्व्ड, यू हैव योर ओन स्पेस एंड यू आर प्रोटेक्टिव अबाउट योर स्पेस. सो बिग बॉस का जब मन हुआ तो क्या क्या चल रहा था दिमाग में? सो बिग बॉस से मुझे डर लगता था. मैं कह चुका हूँ पहले भी और शो के बीच में भी बोला हूँ कि मुझे बिग बॉस से डर लगता था, लेकिन मुझे पता था वो एक चैलेंज है जो कभी ना कभी लाइफ में लेना पड़ेगा. कब तक भागूंगा? और वो चैलेंज बड़ा सिंपल था कि व्हेनेवर मेरी किसी से आर्गुमेंट होती थी, अगर मैं गलत था मैं माफी मांगता था, और अगर मुझे लगता था कि किसी ने गलत किया है तो मैं उसे ब्लॉक कर देता था फ्रॉम माय लाइफ. आई यूज्ड टू वॉक अवे एंड आई नेवर यूज्ड टू रिग्रेट वॉकिंग अवे. हो गया बस, यू नो, डन एंड डस्ट. But you know, then I started realizing that nobody is absolutely wrong. कि आप उसको कभी चांस या मौका ना दो, you know, अपने आप को एक अपनी गलती को सुधारने का. And for that you need to talk, you need to communicate, you have to talk. So I said there's no other place better than Big Boss, जहाँ पर लोगों से बात करनी ही पड़ेगी, problems सुलझानी ही पड़ेंगी. And I told Ruby that whatever little fights हमारी हुई हैं. Go inside the house. Let's go there. You will see that, you know, there are bigger fights. Bigger fights. तुम छोटी-छोटी ये जो चीजें हैं वो भूल जाओगी. And that's exactly what happened. Okay. I remember जब आप बाहर, you know, जाने वाले exit वाला आया था. You said सोफे पे बैठ के वे बहुत interesting चीज बोली थी कि मैं 3-4 हफ्ते का सोचा था, but मैं यहाँ तक पहुँच गया, बहुत बड़ी बात है. And जब when you exited, Rubina said कि उसने क्या battle जीती है वो मैं जानती हूँ, और उसने क्या जीता है. So what that exactly meant? उसने क्या battle जीती? So exactly same what I'm telling you, that मुझे हमेशा मैं argument से भागता था. मुझे नहीं पसंद बहुत सारे लोग ऊंची आवाज में बात करते हुए एक समय पर, और जो सुन ना रहे हो. And illogical people, I never liked that. तो she knew that for me it'll be a, you know, कि यार कहाँ फंस गया हूँ. And 3-4 हफ्ते में I'll be out. मुझे भी यही अंदाजा था. इसीलिए मैं शुरू के few weeks I was doing everything कि यार Ruby बस यहाँ पे comfortable रहे. Okay. And she is वो लड़ सकती है, she's sharing, she'll go ahead. But then I started realizing नहीं यार, मैंने तो अपनी खुद जंग लड़ ली है. और अगर मैंने खुद अपनी एक जंग लड़ ली है तो अब मुझे अपने लिए भी खेलना पड़ेगा. I would, you know, like to be, do things for myself. तो वो ही होना शुरू हुआ शो के मतलब आखिर में, कि I started focusing on, you know, what I want. Ruby because had already become very strong, तो सब सही कर रही थी. कहीं कहीं उसको मैं बोलता था, चेक रखता था. But we had a brilliant game, both of us. The so-called game, which I don't call game. You call it a show. Yes, I call it a show. Big Boss में जो लोग आते हैं वो उसे गेम बोलते हैं. गेम का मतलब है किसी के कंधे पे पांव रख के आगे जाना या किसी को रेस में पीछे छोड़ देना. आई कॉल इट अ शो, दैट मींस कि मैं क्या हूँ, मैं वो दुनिया को दिखाने आया हूँ. दैट्स इट. अभिना, यू हैव टर्न्ड आउट द बिगेस्ट हार्ट थ्रोब. ऑलमोस्ट फेमस. आई वांट टू यूज दिस वर्ड लिटरली. आई कैन सी द फीमेल फैन फॉलोइंग Drooling, okay? Like completely, Abhinav is happening. बाहर तो हो ही रहा है. अर्शी ने एंटर किया, उसका भी सेम टोन था, इसके पति को तो मैं लेके जाऊंगा. And I'm like, ये क्या है? And then the राखी ने happen. So were you always this very very popular with female? हमेशा से you have had this kind of a lot of attention, बहुत सारा. Yes, I won't say, मतलब I won't be like diplomatic in it. I used to get a lot of attention.
एंड आई डू गेट अटेंशन एंड उसका एक कारण ये भी है कि आई डोंट मेक वुमेन अनकंफर्टेबल या ओके आई नेवर डिड सो यस आई डू गेट लाइक अटेंशन आई लाइक दैट वन So, what was Ruby's reaction? मैंने रूबी ने कभी बैठे हुए मुझे कहा क्या हो रहा है जो भी आ रहे हैं सब कह रहे हैं यही चाहिए मैंने यही आ रहे मेरा भाई what See, Ruby knows me well. उसको पता है कि you know as long as whatever people are you know attention मिल रही है मुझे वो funny है वो entertaining है she's also like happy with it she's totally game on मतलब उस हिसाब से she knows ये ठीक है इसको चलने दो ये it's fine so we are two secure individuals that's Ruby's dialogue Yeah, that you guys are. Powerful, power packed, full power. Okay, I really want to ask you this. I had a huge, huge problem with the, specifically game खेलो वो चीजें ठीक है और सबका अपना aggression दिखाने का तरीका है और वो घर भी ऐसा है कोई भी कुछ भी बनता है Absolutely. But there was a constant tiff between Rahul and you day one से and he was using some words which I really want to say here that I had an objection personally मुझे नहीं अच्छा लगता था मतलब you can't just throw words at someone just because the person is probably not you know reacting उस level पे क्योंकि maybe उसके लिए वो शायद you know बोलता रहे वाली situation but just don't look nice what do you have a take on Rahul Vaidya and his constant problem with you I mean I didn't see you chidoing him or saying anything I think as Using much words. As much as I know Rahul Vaidya from the show, मैं वही बात करूंगा उसके बारे में. He's like that कच्चा आम. अंदर जो गुठली है, that is very in, he's very insecure. गुठली insecure है और बाहर का जो pulp है, वो over confidence से मतलब कड़क हो रखी है. So that's a cover up. That over confidence is actually a cover up for the insecurity he has. And which was visible in all the tasks. Sab tasks mein aap dekhte the ki he was the only one. Kahin kahin mujhe achha bhi laga ki he used to do a lot of effort. Lekin kahin kahin wo you know there's a thin line. You can't come across as needy. जो कि मेरे साथ भी हुआ था एक पर्टिकुलर वीकेंड पे मुझे खान साहब ने बोला था अभिनव तुम भीख का कटोरा लेके रुबीना की इम्यूनिटी का पहुंच जाते हो सब जगह एंड आई रियलाइज यस ही हैड अ वेरी वैलिड पॉइंट अगर रुबीना स्ट्रांग है वो खुद अपने आप को गेम में सिक्योर करेगी शो में सो आई डोंट नीड टू लाइक गो बैक पीपल दैट प्लीज सिक्योर हर सो दैट वाज द टाइम आई रियलाइज समथिंग अबाउट माय सेल्फ एज वेल एंड दैट वाज द टाइम आई एक्चुअली रियलाइज दैट राहुल इज लाइक दैट एंड ही स्टेड लाइक दैट टिल द एंड ऑफ द शो जब तक मैं वहां से आया हूँ ही वॉज लाइक दैट ओनली तो ही इज इनसिक्योर एंड टू कवर अप उसको कवर अप करने के लिए वो बाहर से ओवर कॉन्फिडेंट बनता है एंड ऑफ कोर्स द चॉइस ऑफ वर्ड्स आई डोंट लाइक Yeah, no, I just won't say, even when I was even talking about it, because I cover Big Boss all the time and every season, this wasn't like appreciated. And स्टेप बैक नहीं लिया बल्कि उसको क्रॉस कर दिया सो दैट्स वेयर जहां पे हमारा एक मेजर यू नो मेरा यू नो इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ था बिकॉज मैं बहुत स्ट्रांग था या शी वाज द ओनली पर्सन ट्रस्ट मी पूरे सीजन में नोबडी कुड अननर्व यू करेक्ट सो शी वाज द वन हु यू नो लाइक जिसने दिल तोड़ा क्योंकि मैंने मे बी यू नो उस पे थोड़ा ट्रस्ट कर लिया बट आई थिंक ठीक है क्या रियल है उनके मुंह से जो निकलता है क्या नहीं है यू नेवर नो आई वाज ऑलवेज सुपर कंफ्यूज कि वो जो बोलती हैं मतलब वो सही में हकीकत में है कि नहीं है एंड बट वन थिंग इज श्योर
she understands a reality show very well. She knows this. She knows the back of hand. पता है क्या करना है. She's माहिर. She's expert. वो play करती हैं ऐसे कि हाँ ये क्या करना है task में ऐसे ऐसे. But she knows the you know the bigger play. So she's very smart that way. And the deadly cocktail is that एक तो game पता है. दूसरा she's unapologetic and that that makes a really really deadly combination. Unapologetic इसलिए है कि वो तो मजाक है. Yeah. So there was one I think confession में she was talking about her husband of course in the same breath she was talking about you. उसका तो पेट इतना निकला हुआ है. अभी नबका ना अभी नबका पेट. And we actually ended up thinking कि has she actually started to crush on him? और फिर पता चला जब राहुल महाजन आए कि husband ही नहीं. उन्होंने पेट भी निकाल दिया. पेट भी निकाल दिया मतलब क्या क्या नई चीजें इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में और इतने इकट्ठा होना साथ होना एंड एज यू नो जैसा शोक बताया कि देयर वाज अ स्ट्रेस सिचुएशन यू गाइस डिसाइडेड कि नहीं वी विल गो. सो क्या 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 चीजें यू नो इंटरेस्टिंग हुई हैं यू नो बिकॉज नाउ यू गाइस आर कंप्लीटली सॉर्टेड एंड यू आर स्ट्रांग टुगेदर. देयर हैज बीन समथिंग रियली. Yes. This is for Rubina. This is for Rubina. This is for all you people who love Abhinav and Rubina and you know you completely completely adore them to next level. This is for you. So सबसे पहली चीज लॉकडाउन सब पे थोड़ा यू नो इट वाज अ डिफिकल्ट टाइम फॉर एवरीवन. और अगर आप दो वर्किंग इंडिविजुअल्स हैं जिनको अभी घर पे रहना पड़ रहा है यू नो 24/7 आर्ग्यूमेंट्स होंगी कुछ और वो आर्ग्यूमेंट्स अगर सुलझे ना तो इट स्नोबॉल्स वो बड़ी हो जाती हैं. तो कम्युनिकेशन अगेन कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. वो क्लीशे बोलते हैं ना कि कम्युनिकेशन यू नो व्हाट इज दैट that English saying about communication, it's, I don't know, that's okay. Anyway, that's okay. So communication agar nahi hai, there'll be a lot of problems, which happened in fact, and we had decided, yeah, now this is it, let's be two mature individuals, 4-5 mahine, we just see how things are, and otherwise, you know, we call it a day. So then Big Boss happened. And I told Ruby jokingly, chal ladaiyan dekhte hain logon ki. That is everything. Chal ladaiyan. And it's not a joke. Yeah, it's not a joke. Our actual fight started from because I forgot to get a coffee. That actually happened. So then we went inside the house and we saw people jo lad rahe hain, jhagad rahe hain, kai muddon pe lad rahe hain, kai bina mudde ke lad rahe hain, kai mudde bana ke lad rahe hain. So you know there was no other option but to watch each other's back. And that's what we were doing. Ki tu bhai tu theek hai na. And that's where I knew like you know we will start understanding each other very well. And of course hum apni discussions karte the ki how to handle people. Uska tarika bahut alag hai, mera alag hai. I always used to tell her first find the facts then go and argue jo karna hai karo. Yes, and she was a little impulsive. So we got to know few things about each other which you know ki hum kaise solve karte hain problems ko. And then came the typical example of men are from Mars and women are from Venus. I remember one day very clearly I told her sun, I am a problem solver first and this is you know this is the logic. And she's like nahi, I don't want to listen to it right now. I just want you to hear me out. I said it doesn't matter, it doesn't solve the problem. Problem jo solve karni hai wo pehle karte hain, baad mein we'll do all this. And that's where the conflict was which later on you know ab main bahar aaya hu to logo ne usko analyze karke mujhe bataya. In fact mujhe bhi samajh aa gaya tha. All she wanted was that first hear me out. Be patient, सुन ले, बाद में अपनी problem solve कर लेना. I'll hear to your logic. So women are designed to, you know, the tone matters. They does matter. And for men, information is important. Yes, yes. So वहाँ पे conflict था हमारे बीच में, which I realized, and in fact मैंने इसी को highlight भी किया था show के दौरान कि you know men are from Mars and women are from Venus. And बाहर आके भी ये सुनने को मिला. So yeah, now I'm working on it. So next time when there's a conflict, first I'll hear out. You know, take it easy and then I'll go for the problem solving. Yeah, totally. That's quite a strong finding. Yes. Rubina, you know, kal bhi, kal ke episode mein, you know, there was a task and everything. Since we are totally, Rubina is still there and she's playing the game.
यू नो देर इज व्हाट डू आई से अटैक काइंड ऑफ अटैक ओनली जो बार बार उस पर लगाता है अरे जाके तू अपना पति संभाल अरे यू नो समथिंग यू कंट्रोल योर हस्बैंड अरे यू से अरे शी हैज बीन पुट अक्रॉस एज समबडी हु डजंट लिसन एंड इज कॉन्स्टेंटली लाइक कमांडिंग यू एंड यू नो मेकिंग यू जस्ट डू द वे थिंग शी वाज बट ये हस्बैंड वाइफ का इक्वेशन पे जो ये कॉमेंट्री होती है दिस इज एक्चुअली यू विल नॉट नो हाउ दे फंक्शन एवरीबडी हैज Please, an answer to all of them जो ये हल्ला मचा के बैठे हुए. So basically, people say things which will hurt. और उनको बहुत चीजें बहुत अच्छे से पता है कि you know say hurtful things that's when they'll get affected because we were very strong. People said a lot of things. We took it in our stride. In fact, जितनी वो गाली गलौज कमेंट्री जो भी comments देते थे that used to make us strong. So people will always say things which will hurt you. And what hurts the most, खुद के ऊपर आपके ऊपर कुछ लांछन लगाए कोई you know बुरा बोले you know you take it. But when you have somebody who you love, who you like, who you know who's a relation with you, तब बुरा लगता है. And so we knew this is going to happen, and we had our defense mechanism ready that we won't listen to whatever they are saying till the time हम दोनों आपस में strong हैं यार that is okay. And of course. तेरा डीलिंग लोगों के साथ अलग है मेरा अलग है वो भी एक बैलेंस बना के चलना है बिकॉज लॉट शुरू शुरू में जब हम आए थे शो में लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि ये तो एक यूनिट है ये इसका पल्लू पकड़ के आ गए एंड यू नो सो आई न्यू कि पीपल विल जज अस लाइक दैट इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट खेलो स्पेशली द पीपल कमिंग फ्रॉम आउटसाइड हु हैड बीन वॉचिंग ऑन द पैनल दे यूज्ड टू से इंडिविजुअल खेलो She's not wife. What do you mean individual? हाँ नीचे अगर अगर बर्तन भी साफ करने हैं घर में किचन में तो उसमें भी हमारी कोऑर्डिनेशन है अब तुम बोल रहे हो इंडिपेंडेंट खेलो सो इट्स अ वेरी थिन लाइन इट्स अ वेरी ट्रिकी लाइन टू वॉक ऑन व्हिच आई थिंक लेटर ऑन वी रियलाइज्ड व्हाट इट मींस एंड वी डिड अ पार्ट आई रियली वांट टू टेल यू दैट यू आर एब्सोल्युटली सिक्योर ऑफ कोर्स वेरी सिक्योर पर्सन ओके नो मैटर व्हाट वाज थ्रोन एट यू चाहे वो वर्ड्स हो चाहे वो किसी तरह का ये कहना क्या कर रहा है क्या कर रहा है नॉन स्टॉप ये सुनना आसान नहीं है उसके रीजन है जब मैं शो में गया था मुझे सिर्फ एक चीज पता थी मैंने कोई एपिसोड नहीं देखे थे दो देखे थे लाइव में एपिसोड्स आई हैड सीन फ्यू हाइलाइट्स हियर एंड देयर आई न्यू वन थिंग द फॉर्मेट इज ब्रिलियंट सिंपल वन लाइन में अजनबी एक घर के अंदर खुद अपने मसले सुलझा रहे हैं दैट इज वन लाइन ऑफ अ बिग बॉस एंड आई न्यू दिस इज अ ब्रिलियंट फॉर्मेट The concept is amazing. All I need to do is be myself. Yeah. अगर मैं problem solver नहीं हूँ, मैं creator हूँ, boring हूँ या कुछ भी है, मैं खुद निकल जाऊँगा. लेकिन नहीं निकला. लेकिन नहीं निकला. और लोग hammer करते रहे boring. And I knew कि वो, you know, they are like trying to poke. But I am not going to get affected. Yeah. मैं जैसा हूँ, मैं वैसा ही चलता रहूँगा अपने, you know, whatever I'm thinking. So that's what happened. I observed people. I outperformed them and I outlasted a lot of people. So these are the three O's which I talk about. And this was all my strategy. There was no other strategy as such. It was pure common sense. Yeah, common sense. Yes. A lot of mental strength and unnerved, unperturbed by anybody. Just for जो बोलना it's not easy. Correct. Like otherwise, एक weekend के और में अगर कुछ बोल दिया जाता है, you get like this, अब मैं कैसे करूँ? क्या action करूँ? क्या action करूँ? किससे लडूँ? बर्तन फेंकूँ या झाड़ू लगाऊँ या क्या करूँ? But it so समझदारी और inner strength क्या होती है? वही तो. आपको 100 लोग feedback दे रहे हैं और आपकी weekend के वार पे आपकी you know class लगी है. आप उसमें से अच्छी चीज absorb कीजिए and take it as an advice because see Khan saab is not a contestant he's there to tell you this is wrong this is right ye seema mein raho and if you don't listen to him then it's your loss so I used to listen to it chahe daant pad jaye in fact every weekend ka war made me stronger so in the end I was like perfectly fine with any weekend ka war I was like bring it on and I think Khan saab likes me that's why you know he takes so much time explaining it to me yes he does yeah. no brilliant journey for sure and I always say that I said that on my radio show like zillion times it's not easy yeah, yourself stick yes, to your guns yes, come yes. what may no matter what yeah. your wife was there you both were attacked and so much more happened but you were there Good. So it's just absolutely fantastic last but not the least I really want to know agar Rubina game mein nahi hoti for that part of Rubina game mein hai bahut acche se bahut strong hai but agar nahi hoti कौन से तीन कंटेस्टेंट यू थिंक 3-2 व्हाटएवर जो भी यू नो यू ओके विद यू नो टॉप 3 में देखना पसंद करोगे बिकॉज़ यू थिंक देयर जर्नी वाज वर्थ इट एंड
outrightly people you think should not win and why? People who should not win first are... Based on your experience in Big Boss House. Period. Okay. That's about it. So let me think about it. Because you're talking about the entire people who've been there. Yeah, been there. Not the Abhijit. No. Matlab, you can take names of people you thought should have been in the finale, but hai nahi. I think people who should have been in the finale were, apart from Rubina, right? Yeah, apart from Rubina. Pavitra. Pavitra was doing good. Though she was like very, you know, extreme sides, very low or very high. She was good. And I liked Manu. Manu, Pavitra. And... Nikki. Okay. For what she's lately, I like her. मैंने उसको clear बोला है जब तू बाहर जाके अंदर आई है, I kind of liked you. उससे पहले you were like, I don't know, not my, you know, on my list. So ये तीन लोग and Ali as well. Ali as well. Okay. And people who are there but they shouldn't have been is definitely Rahul. ठीक है क्योंकि वो तो खुद छोड़ के चला गया था बोल के कि Ali होता तो मैं रुक जाता. तो he's he had उसने हथियार डाल दिए थे एक बार और वो जा चुका था. सो ही शुडंट हैव बीन देयर एंड बाकी आई थिंक आई एम ओके विद रेस्ट हिम. यस यस सुपर. आई थिंक देवोलीना कुडंट डू मच जस्टिस टू विजास बिकॉज़ दे बोथ आर वेरी डिफरेंट. दे आर वेरी डिफरेंट पीपल लाइक कंप्लीटली डिफरेंट. सो या ये लोग. सो एनी क्वेश्चंस हमारे पास क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं. मिमिक्री. हां मिमिक्री. निकिता अरे तुम अपना देखो तुम मुझको क्यों बोल रहे. झूठा है बिग बॉस. ये झूठा है बिग बॉस. झूठा है बिग बॉस. ये झूठा है. जैस्मिन हम तो अच्छे ही हैं. हमने जो किया ठीक किया. आप बस हाँ हम जो करते हैं ठीक ही करते हैं. तुम अपना देख लो. That's Abhinav Chukla for you. He's a superstar in his own way. And you know, इनकी life और journey के बारे में बहुत interesting हम conversation करने वाले हैं जो हम आपको definitely सुनाएंगे. And इनकी life में बहुत सारे अलग passions भी हैं acting के अलावा. He's a trekker and you go on long journey and trips and he does a lot more stuff. So what is जो अगर मैं Big Boss घर के अंदर कर देता तो I wouldn't have been boring in the beginning. Yeah, because I have watched his YouTube videos and everything. इतने बड़े बड़े offloaders लेकर ये full dude of tar and you know really hot by the way and he's out there. So agar aap dekhoge to aapko bahut hi maza aa jayega. So you, in case you haven't watched those videos, I'm sure you have, please do watch. Aur zyada drool karoge. So thank you so much Abhinav. Please give a shout out to all your fans jo live is samay aapko yahan par Red FM studios mein dekh rahe hain. All the people watching me on Red FM studio from Red FM studio, please pehli cheez ye kahunga, big thank you to you all. Mujhe itna pyar mila hai sabse. I'm sure you know, you guys have supported me and now it's time you support Rubina. This is the time, this is the week and thank you so much. Brilliant chat. Always very lively. Yay! Thank you so much and that was Abhinav Chukla. Give it up for him. Thank you so much and guys, please support Rubina and give her a lot of love और बहुत सारा प्यार, बहुत सारा है. और बाकी इनका इंस्टाग्राम आपको पता ही है और कोई सवाल रह गया हो तो DM करो. हालांकि still processing the social media world, हमें time लग रहा है. Still, because obviously इतने time के बाद बाहर निकल के चीजें process करने में time लगता है. So you can ask him there too. Bilal, thank you everybody for watching this live. So there he is, super hits 93.5 Red FM. Abhinav. Thank you.